हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई अनंत। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, ये क्लास 10th में फर्स्ट टाइम आता है हमारे सिलेबस में, और इससे पहले हमने इसका कुछ भी नहीं पढ़ा होता तो ये आपको बहुत ज़्यादा टफ लगेगा। आपके टीचर्स ने और आपके सीनियर्स ने बताया होगा कि ये तो बहुत टफ टॉपिक है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ये सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इजी टॉपिक है। बस आपको क्या दो चीज़ करनी है, आपको फॉर्मूलेस और फॉर्मूले के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। यदि आप ये दो चीज़ कंटिन्यू रखते हो, फॉर्मूले भी अगर आपको पूरे के पूरे याद हैं तो आपका चैप्टर 8 समझो हो गया, और चैप्टर 9 भी। बस आपको किस पे कंसंट्रेट करना है, फॉर्मूले पे, और थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आपका चैप्टर 8 क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब अपन ना पढ़ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये जो वर्ड है, देखो, ट्रिग्नो और मैट्री, ये दो अलग अलग कलर से हमने लिखा है। तो ट्रिग्नो क्या है, ये ग्रीक वर्ड ट्रिग्नोन से आता है जिसका मतलब होता है ट्रायंगल, और मैट्री आता है ग्रीक वर्ड मैट्रोन से जिसका मतलब होता है मेजर। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल का मेजरमेंट। आप ट्रायंगल ले लो, उसका मेजरमेंट कर लो, तो आप किसकी किसकी मदद से करोगे, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच जो किससे डील करती है, किसी ट्रायंगल के एंगल और उसके लेंथ के रिलेशनशिप से। और ट्रिग्नोमेट्री हमेशा आपको कहाँ मिलेगी, राइट एंगल ट्रायंगल पे लगी हुई मिलेगी। पर क्योंकि यहाँ पर देखो क्या लिखा है, सिर्फ ट्रायंगल, तो नॉर्मल ट्रायंगल अगर ये हुआ तो इस पे भी ट्रिग्नोमेट्री वर्क करेगी। क्यों, क्योंकि देखो नॉर्मल ट्रायंगल को भी अगर आप ऑल्टीट्यूड डाल दो तो वो भी क्या होगा, दो राइट एंगल ट्रायंगल में बट जाएगा। तो हर तरीके के ट्रायंगल में आप ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकते हो, और अपने जितने भी साइड वगैरह हैं, एंगल वगैरह, उन्हें निकाल सकते हो। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री डील किन चीज़ों से करती है, एक ट्रायंगल की छह चीज़ों से। देखो ट्रायंगल में छह चीज़ कौन कौन सी होती है, ट्रायंगल में तीन साइड होती हैं और तीन एंगल होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इजी क्यों है, क्योंकि ये ट्रायंगल से डील कर रही है और उसके एंगल और उसके साइड से, इससे हट के ये किसी भी चीज़ पे बात नहीं करेगी। एंगल क्या हुआ, जैसे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इस ट्रायंगल में ये रहा एंगल, ये रहा एंगल बी और ये रहा एंगल सी, और साइड क्या हुई, ए बी हुई, बी सी हुई और ए सी हुई। तो ये जो छह चीज़ है, इससे हटके ट्रिग्नोमेट्री कभी बात करेगी ही नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ये ट्रायंगल का मेजरमेंट है। ओके, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री के फाउंडर कौन थे, ट्रिग्नोमेट्री के फाउंडर थे हिपरकस, जो कि थे ग्रीक एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपकी टीचर्स आपसे पूछ सकती हैं। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री तो ये रहा, अब इसका यूज़ क्या है, आप लोग सोचते होंगे कि भाई इतना पढ़ लिया क्लास 10th पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली पर हमें इसका यूज़ ही नहीं पता। तो इसका यूज़ बहुत वास्ट है, आपको ऑलमोस्ट हर फील्ड में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ मिलेगा। जैसे पुराने समय में हिल्स हुआ, माउंटेन हुआ, बिल्डिंग, और आज भी अगर आपको हिल्स, माउंटेन्स, बिल्डिंग्स, ट्रीज, टावर्स, इन सब की हाइट निकालनी है तो आप किसकी मदद से निकालते हो, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। फिजिक्स की पूरी फील्ड में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है। नेविगेशन, जो आप गूगल मैप यूज़ करते हो, वो भी क्या, ट्रिग्नोमेट्री ही यूज़ करती है। फ्लाइट इंजीनियरिंग में, इन फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर में, और बहुत सारी फील्ड है जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। देखिए, अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 8.1। 8.1 क्या है, तो 8.1 शुरू करने से पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। रेशियो आपने पढ़ा होगा ना, रेशियो पुरानी क्लासेस में हम पूरा पढ़ के आते हैं रेशियो क्या होता है। जैसे मैं 4/5 लिखती हूँ तो मैं इसको क्या लिखती हूँ, 4:5, दैट इज रेशियो, है ना। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कोई क्या है, रेशियो हुआ। तो उसी तरीके से क्या किया इन लोगों ने, किसी ट्रायंगल की दो साइड का ने रेशियो बना दिया और उन रेशियो के नाम रख दिए। जैसे एक बार पी बाय एच का रेशियो, एक बार पी बाय बी का रेशियो। पी क्या है, परपेंडिकुलर है, एच हाइपोटेनियस है, और बी बेस है। तो किसी ट्रायंगल में, किसी में मतलब आपको हमेशा कौन सा ट्रायंगल लेना, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के तीन साइड है, एक होगी परपेंडिकुलर, एक होगी बेस, और 90 के जो सामने वाली होती है वो कौन होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो इन तीनों में दो दो के हमने रेशियो बना दिए, एक बार पी बाय एच का रेशियो, एक बार बी बाय एच का, एक बार पी बाय बी का रेशियो बना दिए और उन रेशियो के नाम रख दिए। जैसे पी बाय एच को कहते हैं बेटा साइन, क्या नाम हुआ उस रेशियो का, साइन। बी बाय एच के रेशियो को कहा कॉस, पी बाय बी के रेशियो को क्या कहा, टेन कहा। तो इसी तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री में छह रेशियोज पढ़ते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है, कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, कोसाइन,
टेंजेंट होता है, ये को सेकेंट होता है, ये सेकेंट होता है और ये को टेंजेंट होता है। तो हम इन्हें शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ओके, और ये उनके रेशियो हैं। आप ये देख रहे हो थीटा, थीटा क्या है? तो देखो, जब भी हम किसी ट्रेंगल पे बात करते हैं, राइट एंगल ट्रेंगल ट्रेंगल पे बात करते हैं, तो यहाँ पे तो हो जाता है 90 डिग्री। अब या तो बचा ये वाला एंगल या तो बचा ये वाला एंगल। तो मान लो मैंने इस वाले एंगल का, वैसे इस वाले नाम एंगल का नाम एंगल ए है, पर मैंने उस एंगल ए को नाम बदल के क्या रख दिया, थीटा नाम रख दिया। अब देखो थीटा एंगल है, तो अगर आप इस एंगल के साइड पे खड़े होके देखोगे, अगर आपको मैं छोटा सा कर दूं और ए के पास ले जाऊं, तो आप जब सामने देखोगे, तो इसके सामने जब आप देखोगे तो आपको ये परपेंडिकुलर दिखेगा और ये क्या दिखेगा, बेस, क्योंकि आप यहाँ खड़े हो। बट अगर मैं आपको उठा के यहाँ बिठा दूं सी पे, और इस अगर इसका नाम थीटा ये वाला ना होता और इसका नाम सी पे थीटा हम रख देते, तो ये ट्रायंगल कैसा हो जाता, ऐसा हो जाता। और यहाँ पर हम जैसे अभी थीटा, यहाँ पर हम इसका नाम रख देते थीटा। तो देखो यहाँ पर अगर एंगल होता तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड बन जाती, बी ए, और बेस कौन सी साइड बन जाती, बी सी। तो थीटा का ये काम है कि थीटा जहाँ होता है बस वहाँ का परपेंडिकुलर और बेस बदल जाता है। जैसे यहाँ थीटा है तो इस समय परपेंडिकुलर ये है, बट थीटा अगर सी पे होता तो परपेंडिकुलर कौन होता, ए बी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में बस यही रहेगा, वो आपको बदल बदल के दे देंगे। जैसे अभी साइन थीटा दे दिया, या मैं अगर यहाँ पे साइन ए लिख दूँ, तो साइन ए मतलब आपको यहाँ से देखना है, आपका रेशियो जो आप काउंट करोगे वो आप कहाँ से करोगे, ए पे रह के देखोगे। तो आप परपेंडिकुलर की जगह क्या रख दोगे, बी सी रख दोगे। हाइपोटेन्यूज की जगह क्या रख दोगे, ए सी रख दोगे। अगर मैं यहाँ पे साइन सी बोल दूँ, या जैसे ये थीटा है मैं इसको बोल दूँ यहाँ पे फाई, तो यहाँ पे अगर मैं साइन फाई की बात कर दूँ, तब आपका परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और बेस कौन हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो ये रहा पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, आपको रेशियो को कैसे पढ़ना है। देखो जो साइन रेशियो है वो क्या होता है, पी बाय एच, ये रेशियो है साइन, इसके बाद हम लगाते हैं एंगल। मैं साइन थीटा लिख दूं या फिर साइन फाई लिख दूं, तो साइन फाई, तो साइन का मतलब तो पी बाय एच ही होगा ना हमेशा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बट अगर साइन थीटा से मैं देखूं तो परपेंडिकुलर कौन है, बी सी है, और हाइपोटेनियस कौन सी साइड है, ए सी साइड है। बट अभी मैंने बताया मैं साइन फाई पे, अब आपको क्या करना पड़ेगा, सी के नज़रिए से देखना पड़ेगा, आपको फाई की ओर से देखना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर कौन है। तो हमेशा थीटा या फाई के सामने वाला कौन होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसके ठीक सामने कौन सी साइड है, बी ए, तो बी ए कौन हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। तो सी, तो साइन फाई की ओर से देखोगे, सी बोलूँ या फाई सेम ही बात है, एंगल सी का नाम हमने क्या रख दिया, एंगल फाई रख दिया है। तो देखो साइन फाई से हमने देखा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड हो गई, ए बी, और हाइपोटेनियस कौन है, ए सी। तो एंगल का फर्क होता है, साइन का रेशियो हमेशा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस ही रहेगा, और इस तरीके से आंसर आपका हमेशा बदलता जाएगा। अब देखो ये हो गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। अब आप सोच रहे होगे इन्हें मैं याद कैसे करूंगा, तो हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने की एक ट्रिक है हमारे पास। वो क्या ट्रिक है, देखो सबसे पहले साइन कॉस टेन, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख लिया साइन कॉस टेन। अब आपको बोलना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये क्या हुआ, ट्रिक बन गई। देखो साइन का क्या था, पी बाय एच था, देखो पी बाय एच था। कॉस का क्या था, बी बाय एच, तो देख लो यहाँ पे हमने बी बाय एच ही लिखा था। और टेन क्या होता है, पी बाय बी, तो हमने यहाँ पे देख लिया टेन को पी बाय बी, ये हो गया। ओके, साइन कॉस टेन, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। एक और ट्रिक होती है जो कि इंग्लिश में होती है, वो ये होती है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्नड परमानेंटली ब्लैक, ठीक है। तो एक ट्रिक ये भी होती है, आपको जो आप पसंद आए आप उसके हिसाब से कर सकते हो। वैसे क्योंकि हम इंडिया वाले हैं तो हम थोड़ी अच्छी ट्रिक यूज़ करेंगे, वो कौन सी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो इस तरीके से आप एग्जाम में क्या करोगे, शॉर्ट फॉर्म में बगल में बना के रख लेना, और कोई भी साइन कॉस टेन आए आप उसका लिख देना। अब आप सोच रहे होगे कॉसेक सेक और कॉट का क्या, देखो जो कॉसेक होता है ना, जो कॉसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, वन अपॉन साइन, मतलब साइन का उल्टा, मतलब जैसे साइन क्या है, पी बाय एच है, तो कॉसेक साइन का उल्टा है, ये एच अपॉन पी है। कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक होता है, सेक मतलब वन अपॉन कॉस, तो ये अगर बी बाय एच है तो सेक कौन होगा,
एच अपॉन बी होगा। टेन क्या होता है, कॉट का, सॉरी कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, यानी टेन पी बाय बी है, तो ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। समझ रहे हैं कि हमने अभी क्या किया। तो ये तो हो गई आपको शॉर्ट ट्रिक, और फिर आपको क्या देखना है कि जो कॉसेक सेक और कॉट है वो इन तीनों के क्या है, उल्टा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, यानी रेसिप्रोकल, पी बाय एच का रेसिप्रोकल एच बाय पी, तो आपको मिल जाएगा कॉसेक। कौन सा रेशियो मिल जाएगा, कॉसेक का। अब देखिए टेन को एक और चीज़ से लिखते हैं, जो टेन होता है टेन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये तो हमने पढ़ लिया कि कॉस एक वन अपॉन साइन है, सेक वन अपॉन कॉस है, कॉट वन अपॉन टेन है। तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। टेन थीटा की आपको कभी भी वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दोगे। तो टेन देखो साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच होता है, और कॉस थीटा क्या होता है, बी बाय एच होता है। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो पी बाय एच इधर हो गया, बी बाय एच उल्टा हो गया, इन टू हो जाएगा, यानी एच बाय बी, तो बी से एच से एच कैंसिल, तो हो जाएगा पी बाय बी। तो टेन थीटा का फॉर्मूला यही होता है, पी बाय बी। देखो टेन थीटा क्या होता है, पी बाय बी। तो एक फॉर्मूला क्या हो गया, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर टेन थीटा ये है तो कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है ना, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन सारी चीज़ों का भी यूज़ होगा, है ना। तो आपको कितने फॉर्मूले मिल गए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8। फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए ये 8 फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो आपकी पहली एक्सरसाइज इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो देखो पहली चीज़ तो हमने ऐसे ही क्लियर कर ली कि कौन सी वाली, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले वाली, आपको साइन कॉस टेन का फॉर्मूला ऐसे याद हो गया। क्या हो गया, साइन कॉस टेन। और उसके बाद ये भी हमने बता दिया कि कॉसेक सेक कॉट क्या होते हैं, इन तीनों का रेसिप्रोकल, कॉसेक साइन का, सेक कॉस का और कॉट टेन का। बस एक और चीज़ याद रखनी थी कि अगर साइन को कॉस से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था बेटा एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन। अगली वीडियो में हम करेंगे 8.1 को स्टार्ट। आई होप आपको समझ आया होगा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।